सब लोग यहाँ पे पहले ट्रेनिंग लो, उसके बाद फिर चौराहे पर यहाँ की ड्यूटी लगती है, वहाँ पर शुरू में सीखो जो लोग पहले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस तरह की छवि पेश करो कि लोगों के सामने ये समझ में आए कि यातायात पुलिस किन कठिन परिस्थितियों में और किस हिसाब से ट्रैफिक को संचालित करने में मेहनत करती है। आपकी आंखों में मतलब ये होता है कि जो ट्रैफिक हैवी स्पीड में आ रहा है वो स्लो हो जाए, क्लियर है? स्लो हो जाएगा तो वो फिसलेगा नहीं। संकेत नंबर 5, आपने इधर का रोक लिया, इधर का रोक लिया, ट्रैफिक जो पीछे रुका हुआ है वो निकलेगा। चारों तरफ को ट्रैफिक रोकने के लिए बनाया था, उसके बाद रोकने के बाद क्या किया जाता है, जिस तरफ से एम्बुलेंस जो भी आ रहा है वो ट्रैफिक निकाला जाता है पहले। संकेत नंबर 6, 3 के बाद ये 3 है, ठीक है, 4 भी, अरे 5 दो को मिला दो क्या हो जाएगा, ये 6। अब रहने दो, स्टार्ट। युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी और महंगी महंगी गाड़ियाँ आ गई हैं, पर अपनी स्पीड कम करें, क्योंकि मरने के बाद या ठुकने के बाद जब हाथ पे टूटते हैं ना, तो मुझे समझ में आता है कि आज के युवा गाड़ी को धीरे चलाएं और ट्रैफिक से उसको समझें। ज़िंदगी बहुत प्यारी है और अनमोल है, अगर आप इसको अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए लगाएंगे, डेफिनेटली ये देश आगे बढ़ेगा।